फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी आपने जो स्केच देखा उसके लिए मैंने जो पेपर यूज़ किया है उसका नाम है अनूप आर्टिस्ट ड्राइंग बुक। ये है एक्रेलिक और पोस्टर कलर के लिए, और पेंसिल भी इस पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसका थिकनेस भी बहुत अच्छा है, पेपर अच्छे क्वालिटीज़ के हैं। और जो मैंने पेंसिल यूज़ की है वो है फाइबर कैस्टल पॉलीक्रोमोस, ये 12 शेड्स है। ये इस स्केच के लिए मैंने ये पेंसिल्स यूज़ की है। अभी हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब इन्फॉर्मेशन दिया है। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन मैंने जस्ट कंप्लीट किया है और अभी फोरहेड में हम काम कर रहे हैं। जो स्किन कलर है वहाँ पे मैंने 4 पेंसिल्स यूज़ की है, येलो, रेड, डार्क ब्राउन और ब्रंट ऑकर। ये 4 पेंसिल का यूज़ करके मैंने स्किन टोन में शेडिंग किया है। 3 स्टेप में काम करना है स्किन टोन में। पहले लाइट टोन येलो से, मिडल टोन ब्रंट ऑकर और रेड कलर की पेंसिल से, और जो लास्ट है डार्क टोन वो डार्क ब्राउन पेंसिल का यूज़ करके मैंने यहाँ पे स्किन टोन निकाला है। इस तरह से पूरा फेस मैंने कंप्लीट किया है। आँखों की आउटलाइन के लिए, आईब्रोज के लिए मैंने ब्लैक पेंसिल का यूज़ किया है। आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल है वहाँ पे मैंने ब्राउन पेंसिल का शेडिंग किया है। नोज़ की आउटलाइन नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे शेडिंग डायरेक्ट करना चाहिए, शेडिंग से उसका आउटलाइन निकलना चाहिए। जो बेंडिंग के लिए मैंने सॉफ्ट ब्रश का यूज़ किया था, फ्लैट ब्रश। यहाँ पे रेडिश जो स्किन दिख रही है वहाँ पे मैंने रेड कलर का पेंसिल, स्लाइट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रेड कलर का पेंसिल का यूज़ किया है। और जो जहाँ पे डार्क शैडो है वहाँ पे मैंने ब्राउन पेंसिल का यूज़ किया है। जो मूछ है वो मूछ का जो हिस्सा है वहाँ पे मैंने कुछ वर्क नहीं किया है, पूरा मैंने फेस पहले कंप्लीट कर लिया, फिर बाद में मैंने मूछ में काम किया है। तीन टोन जो है, लाइट, मिडल और डार्क जो टोन है, वो तीनों जब फेस में आते हैं बराबर से तभी वो रियलिस्टिक फेस बन जाता है। हाइपर रियलिस्टिक के लिए आपको बहुत ही पेशेंस आप में होने चाहिए, उससे ये स्केच है बहुत अच्छा होगा। पूरे स्केच जब मैं करती हूँ तभी मैं हाथ के नीचे एक पेपर फोल्ड करके रखती हूँ, जिससे कि जो शेडिंग है उससे ये ख़राब नहीं होता और नीचे का जो पेपर है वो भी इससे ख़राब नहीं होता। तो आप एक पेपर हाथ के नीचे ज़रूर रखें जब आप स्केच करते हो। तो जिस तरह से मैंने फेस में ये 4 कलर की पेंसिल्स यूज़ की, उसी तरह मैंने गले में भी ये पेंसिल का यूज़ किया है, और सेम उसी टेक्निक से मैंने ये स्केचिंग किया है गले में। यहाँ पे मैंने जूम करके आप देख सकते हैं, जहाँ पे शैडो है, जहाँ पे डार्क टोन है, वहाँ पे कुछ ब्राउन पेंसिल का इस तरह से मैंने यूज़ करके वो टोन निकाला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे।
आपको स्केचिंग करते टाइम कुछ आपको प्रॉब्लम्स आती हो या कुछ आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ये जो स्केच है वो है विठल राव विखे पाटिल जो लोनी में रहते थे और इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ये सोशल वर्कर थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम अपने पूरे जीवन काल में किए हैं। इनका स्केच मैं कर रही हूँ। डिटेलिंग कुछ इस तरह से आपको करनी चाहिए जब आप फेस का ड्राइंग करते हैं, तब आपको पूरा डिटेल से शेडिंग करना चाहिए। जब मैंने मूंछ में काम करना स्टार्ट किया तब सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ किया है, ब्लैक कलर की पेंसिल, और जो वाइट पोर्शन है इसके लिए मैंने पेपर का ही मतलब यूज़ किया है, पेपर का वाइट पेंसिल यूज़ नहीं की है क्योंकि सभी जो बाल है वो वाइट है, सिर्फ बीच बीच में थोड़े थोड़े से काले बाल है, इसलिए सिर्फ काली पेंसिल जो ब्लैक पेंसिल है उसी का यूज़ मैंने मूंछ में किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने डिटेलिंग किया है यहाँ पे। जो नीचे का लिप्स है उसके नीचे शैडो है तो वहाँ पे मैंने ब्राउन पेंसिल से शेडिंग किया है। लिप्स में रेड कलर की पेंसिल का यूज़ किया है, स्लाइट रेड कलर की पेंसिल का यूज़ किया है लिप्स में। गले में मैंने सेम वही चार पेंसिल का यूज़ किया है। गले में हाईलाइट है तो हाईलाइट का पोर्शन वैसे ही रख के हाईलाइट वहाँ पे पूरा ब्लैंक छोड़ के पेपर का वाइट छोड़ के मैंने गले का वर्क किया है। यहाँ पे देखिए मैंने जूम करके दिखाया है आपको मूंछ में मैंने किस तरह से जो ब्लैक कलर के हेयर्स है वो ब्लैक पेंसिल से मैंने ड्रॉ किए हैं। गले में यहाँ पे हाईलाइट छोड़ के मैंने जो ब्रंट ऑकर और ब्राउन पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग किया है।
देखिए फेस और गला कंप्लीट हो गया है हमारा ड्रॉ करके। अब जो ड्राइंग बची है वो है पगड़ी जो उन्होंने पहनी है, वो कंप्लीट वाइट पगड़ी है, लेकिन कहाँ कहाँ पे ब्लूइश शेड दिख रहा है, इसलिए पगड़ी ड्रॉ करते टाइम मैंने ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर और ब्लैक पेंसिल, ये दो पेंसिल का यूज़ करके मैंने पूरी पगड़ी में वर्क किया है। चिन में जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे रेड पेंसिल, रेड कलर की पेंसिल और ब्राउन पेंसिल का यूज़ किया है। देखिए हम पगड़ी की ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्लू पेंसिल से शेडिंग किया है, लाइट ब्लू लाइट शेड दिखता है, दिख रहा है पगड़ी में, तो वो पहले कंप्लीट किया है। और उसके ऊपर मैंने ब्लैक पेंसिल का, जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे मैंने ब्लैक पेंसिल का यूज़ किया है। सिर्फ ये दोनों ही दो पेंसिल ही यूज करके मैंने ये पगड़ी ड्रॉ किया है। व्हाइट पेंसिल यूज नहीं की, जो पेपर का व्हाइट है वो उसी तरह से रख के सिर्फ डार्क पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है। देख सकते हैं आप, मैंने डार्क पेंसिल से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आपको कुछ पूछना हो इस स्केच के बारे में या स्केचिंग के बारे में, या फिर जो पेंसिल्स मैंने यूज़ की है उसके बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें। आपको ये मेरा जो स्केच है पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, इसे शेयर करना आपके आर्टिस्ट फ्रेंड में, और मेरा जो YouTube का चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन जो है उसे हिट ज़रूर करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपके पास आसानी से और सबसे पहले पहुंच जाएं। इसी तरह से मैंने जो पगड़ी उन्होंने पहनी है वो कंप्लीट किया है। ये पगड़ी का नीचे वाला हिस्सा हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी इस तरह से। पहले ब्लू लाइट ब्लू पेंसिल से शेडिंग किया, फिर बाद में ब्लैक पेंसिल से डार्क जो उसकी शेडो है वहाँ पे मैंने डार्क पेंसिल ब्लैक पेंसिल का यूज़ किया है, उसी से ये शेडिंग कंप्लीट किया है। हाथ के नीचे पेपर ज़रूर रखें, उससे आपका स्केच ख़राब नहीं होता और पेपर भी क्लीन रहता है। उन्होंने जो जैकेट पहना है वहाँ पे मैंने येलो कलर की पेंसिल का यूज़ किया है, लाइट येलो की जैकेट उन्होंने पहनी है। इस तरह से ये पूरा स्केच मैंने कंप्लीट किया है। आपको ये स्केच मेरा पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अंत तक आपने देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।